हेलो दोस्तों, नमस्ते। IRCTC का जो शेयर है 6400 रुपये पहुंचने के बाद फिर से ये 3200 रुपये आ गया है और इन्वेस्टर का लगभग 50% पैसा इन्होंने बर्बाद कर चुके हैं। तो आप बताएंगे कि 3200 कैसे हुआ? ये तो अभी 842 बता रहा है, स्प्लिट होने के बाद 842 बता रहा है, जबकि इसका लोएस्ट पॉइंट जो है 639 तक हुआ था, जिसको 5 से अगर गुना करते हैं तो ये 3196 होता है। यानी इसका हाइएस्ट पॉइंट 6400 हुआ और लोएस्ट पॉइंट 3196 हुआ, जो कि ये एक महीने के अंदर में सारी घटना हुई है। तो इन्वेस्टर का पैसा 50% तक डूब चुका है और कल इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद इसका क्या आगे का ग्रोथ होगा वो अब देखा जाएगा, लेकिन यही है कि इसमें 50% इन्वेस्टर का अपना पैसा डूबा चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है, इसलिए हम तो इसमें रुकेंगे। आपको अपने अगर रुकना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।